हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लास्ट मेनी डेज से डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे अगर वीकनेस आएगी तो ब्रॉड जो ट्रेंड है वो वीक हो सकता है निफ्टी का, बट एग्जैक्टली वहाँ से ही निफ्टी ने वापस किया। और आप लास्ट अगर वीक अगर आप याद करो तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि अगर बैर्स इतने स्ट्रांग है तो वाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम, राइट? सो आज देख सकते हो फ्राइडे को भी एक बाइंग आया, आज भी निफ्टी ने एक अप किया। सो वेन ब्रॉड ट्रेंड तेजी है तो माइनर ट्रेंड भी तेजी में आ सकता है, तो लेट्स डिस्कस दैट, राइट? सो एक जोन है, राइट, ये एरिया को ध्यान रखिए जो मैं काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, स्पॉट लेवल ही याद रखिए। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्पॉट है 19,650 और मोटा मोटी 19,680। अगर ये दो पॉइंट के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट सस्टेन कर जाता है, राइट, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ से आता है धीरे धीरे करके, देन ब्रेकआउट करता है, फिर सस्टेन करता है, तो यू कैन एज्यूम और हम हमारे पास एक फैक्ट होगा, एविडेंस होंगे कि एक माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया है। तो माइनर ट्रेंड जब पॉजिटिव हो जाता है तो देन यू कैन लुक फॉर इंट्राडे लॉन्ग्स, पोजिशनल लॉन्ग्स एंड मैनी थिंग्स, राइट? सो टुमारो लेट सी दैट टुमारो और उसके बाद क्या ये जोन के क्रॉस करता है नहीं करता है बाजार, राइट? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फर्दर रैली के लिए, अदरवाइज वी कैन हैव सेलिंग लाइक दिस ऑल्सो अगेन, राइट? सो टुमारो आप सबसे पहले इसको ध्यान रखिए, मान लो 19,600 के ऊपर सस्टेन रहता है और फिर कुछ टाइम स्पेंड करता है, देन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट, फॉर अ ब्रेकआउट। सो मेक श्योर दैट देर आर मेनी डेज दैट यू डोंट गेट इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज और गुड अपॉर्चुनिटी, राइट? जैसे आप सोच लो आज मॉर्निंग में गैप अप हुआ बाजार, देन रिट्रेसमेंट आया, देन यही तेजी जो हुआ था उसका रिट्रेसमेंट को यहाँ से फिर से कंटिन्यू किया, राइट? सो मेक श्योर दैट यू हैव टू वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी और गुड रिस्क रिवॉर्ड, अदरवाइज क्या होगा, जब राइट टाइम आएगा तब आपके पास ना पैसा होगा ना मेंटल कैपिटल होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शॉर्ट हमें अब जब तक ये रिसेंट लो ब्रेक ना करे तब तक शॉर्ट करना नहीं है। लॉन्ग में मैंने जैसे आपको बताया कल इसके ऊपर सस्टेन रहता है बाजार, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड ब्रॉड ट्रेंड कहाँ से, ब्रॉड ट्रेंड तेजी में, माइनर ट्रेंड कहाँ से तेजी में आ सकता है, जो मैंने आपको बार बार डिस्कस कर लिया। तो लेट्स सी दैट हाउ मार्केट गोज फर्दर फ्रॉम हियर। सेम वे बैंक निफ्टी को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट को ओपन किया मैंने, तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड यहाँ से ही वीक हो गया था। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे काफ़ी दिन से रेंज में है, राइट? सो क्या ये रेंज नीचे ब्रेक डाउन होगा या अपसाइड होगा, राइट? सो वो अपने को टाइम के साथ ही पता चलेगा, बट हाउ वी कैन से दैट व्हाट आर द गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक रिसेंट हाई बनाया, देन मार्केट ने नया लो बनाया, फिर उसके बाद आप देखेंगे एक रेंज में घूम रहा है। सो फॉर माइनर ट्रेंड टू बी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी हैज़ टू क्रॉस दिस लेवल 45,000 के ऊपर, जो स्पॉट में लेवल है 45,100 के ऊपर सस्टेन रहता है बैंक निफ्टी। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आज बेस बना है, फिर कल यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, जैसे कल अगर मान लो आपको ब्रेकआउट चेज करना है तो मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और फिर ब्रेकआउट करता है ये रेंज में जो आज का हाई है, तो यू कैन लुक फॉर अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। सेकंड, अगर ब्रॉड ट्रेंड यहाँ पे, सॉरी माइनर ट्रेंड यहाँ पे तेजी में आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 45,100 एंड 45,400, ये दो एरिया है जहाँ पे बैंक निफ्टी को एक चैलेंज होगा फ्रॉम सेलर साइड। अगर ये क्रॉस कर देता है ये जोन, अगर मान लो यहाँ पे आता है बाजार ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम देन ब्रेकआउट, तो बैंक निफ्टी का माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। शॉर्ट बैंक निफ्टी में इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, ये रिसेंट लो के नीचे ही हम सोच सकते हैं। टिल देन मार्केट इज इन रेंज, अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका ऊपर का स्टॉप लॉस लेगा, लॉन्ग करेगा तो आपको नीचे का। सो यू हैव टू फाइंड अ जोन, राइट, जहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मिले। जैसे मान लो आज पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेंड किया है, सो अगर मान लो कल इसका हाई ब्रेक करता है तो वी कैन हैव अ लो रिस्क, जो कैंडल का ब्रेकआउट आए उसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या जो भी एक आपको लो रिस्क एरिया मिले, यू हैव टू फाइंड आउट द लो रिस्क एरिया, राइट? सो सेम वे अगर आप ये स्पॉट का लेवल ही मैंने डिस्कस किया है, तो ध्यान रखिएगा आपको फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंगली देखना है। ये फिन निफ्टी को हम देखते हैं, सेम वे फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी के जैसा ही चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रॉड ट्रेंड यहाँ से ही वीक हो गया, उसके बाद एक सेलिंग आया, देन एक रिवर्सल आया और फिर वही रेंज में फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो फिन निफ्टी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कौन से लेवल पे माइनर ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो फिन निफ्टी का ये जो जोन है अगर आप पकड़ेंगे तो वो जोन के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है 20,100 और 20,250, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, राइट, ये पॉइंट के ऊपर, देन द माइनर ट्रेंड चेंज होगा, फिर ऐसे ही कोई कॉन्सोलेशन आएगा,
देन ब्रेकआउट आए तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट टर्म या इंट्राडे लॉन्ग्स एंड ऑल थिंग राइट. तो टिल देन टुमारो मान लो ये हाई ब्रेक करता है आज का, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी और स्टॉप लॉस शुड भी वो कैंडल का जो ब्रेकआउट है उसको भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं छोटे रिस्क के लिए. सो बट मेक श्योर दैट शॉर्ट जो रिसेंट लो है या अभी ये लो है 19,450 या 400 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए. सेम वे अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे, मैंने देखा है काफ़ी बार यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए फोर्सफुल ट्रेड्स क्रिएट करते हैं टू एंगेज द ऑडियंस की नहीं हो तो भी ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग. बट एज अ ट्रेडर वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर यू नो आवर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर ट्रेडिंग कैपिटल राइट. सो यू हैव टू फाइंड ओनली व्हेन देर इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड राइट. बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है दे वॉन्ट टू ट्रेड वॉट एवर द, उनको पता ही नहीं है उनको ऑड्स क्या है, उनका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बस दे कीप डूइंग इट राइट. तो इवेंचुअली ये जो अप्रोच है वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा. आप देख सकते हो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर स्मॉल कैप इज इन अप ट्रेंड राइट. सो टिल देर इज नो बिग ड्रॉडाउन बिग सॉरी बिग ब्रेकडाउन और एनी सेलिंग वी कैन कीप राइडिंग दिस रैली राइट. काफ़ी लोगों को कहते हैं बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है बट क्या कर सकते हैं राइट. सो लेट मार्केट डिसाइड, मार्केट ये रिसेंट जो गैप अप हुआ था उसके नीचे जाता है नहीं जाता है राइट. वी विल कीप ऑब्जर्विंग स्मॉल कैप, देर इज अ बुल मार्केट इन स्मॉल कैप माइक्रो कैप एंड मिड कैप राइट. सो यू शुड कीप राइडिंग योर स्टॉक्स एंड ऑल दे. थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो एंड कीप शेयरिंग योर लर्निंग एंड कीप शेयरिंग योर हाउ इट दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू. तो बताइए जरूर कॉमेंट में. थैंक यू सो मच.